नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति संचालनालय का एक संयुक्त उपक्रम है गमक। जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन श्रृंखला में कला संबंधी कार्यक्रम, साहित्य संबंधी कार्यक्रम इन दिनों हम सब कोरोना काल में इसी माध्यम से देख और सुन पा रहे हैं। मित्रों, ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज का हमारा जो इस श्रृंखला का जो एपिसोड है वह एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर संकेत करते हुए आप सबके समक्ष नाट्य प्रस्तुति के रूप में आने वाला है। साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर देवेंद्र दीपक का नाम बड़ा सुपरिचित है। डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी को हम जितना साहित्य धर्मी के रूप में जानते हैं, कला धर्मी के रूप में जानते हैं, उससे कहीं अधिक वे संस्कृति धर्मी हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर के उनकी विचार मनीषा के जितने बिंदु हम सब ने प्राप्त किए हैं अब तक, यदि उन्हीं को संग्रहित कर लिया जाए तो ऐसा लगता है मानो भारतीय संस्कृति साहित्य में कहाँ कहाँ दिखाई देती है वह सब विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की, जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की, तो भारतवर्ष के एक काले अध्याय को अवश्य याद करते हैं, और वह काला अध्याय 70 के दशक में घटित होते हमारी पूर्व पीढ़ी ने देखा था। मेरी पीढ़ी के लोग तो संभवतः उस समय बाल्यावस्था में थे, लेकिन आपातकाल के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना और सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर देना और कानून के डंडे के नाम पर इतनी भयंकर यातनाएं सामान्य लोगों को दी गई जिसकी कल्पना मात्र से आज भी हमारी रूह कांप जाती है। अब ये पूरा विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन साहित्य के पृष्ठों पर अगर उसे उकेरना है, उसे उतारना है, तो स्वाभाविक रूप से उसे कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से उतारना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यकार की अपनी एक सीमा होती है। वह सीधे नाम लेकर के किसी व्यक्ति के गुण दुर्गुण की ओर संकेत करे यह ठीक भी नहीं माना जाता, और इसीलिए इस प्रतीक विधान का उपयोग किया है श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी ने अपने नाटक खगोल राजा का, भूगोल राजा का में। ये नाटक बड़ा अच्छा है। आप आपातकाल की विभीषिका आप कल्पना करिए, जिस समय समाचार पत्रों के मुंह पर टेप चिपका दिए गए थे, जिस समय हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन संभवतः भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बनकर के रह गया था। कोई व्यक्ति अपने विचार की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा था, उस पूरे परिदृश्य को उकेरने का काम यह नाटक करता है। स्वाभाविक रूप से नाटक जितना अच्छा लेखन है उतना ही अच्छा दिग्दर्शन भी मांगता है, और इसलिए आदरणीय प्रेम गुप्ता जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और रंगकर्म के क्षेत्र में इन दिनों आचार्य और कुलगुरु के रूप में स्थापित हुए हैं, मुझे लगता है कि वे उनकी जो शिष्य मंडली है उसके माध्यम से आज इस नाटक के रूप में आप सबके समक्ष गंभीर विषय को उकेरने वाले हैं। तो मैं पुनः लेखक और दिग्दर्शक दोनों को ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आइए देखते हैं खगोल राजा का, भूगोल राजा का।
उसकी आज्ञा है कि मंदिर देवालय भले ही वे किसी संप्रदाय के हो प्रतिमा तुरंत हटा दी जाए और करवा ली चाहे स्थापित विधिवत के स्थानों पर महा बलि महा तपस्वी महाराजा की प्रतिमा प्रतिमा शासन की शिल्पियों ने बनाई केवल आवेदन आने पर ही शायद मिल जाएंगे प्रतिमा यज्ञ के लिए जिसने जो कुछ सहजा हो या जनता से जुटाया हो उसे वह राजकोष में जमा करे तत्काल सभी ज्ञानपीठ तुरंत बनकर दिए जाए ज्ञानपीठों के कुलपति लेखे महाप्रभु को स्रोत और राजकोष से लिया आवेदन जिनके भवन पर फहराता हो गरुड़ ध्वज उतार दे वहां से गरुड़ ध्वज राज ध्वज फहरा दिया जाए वहां मांगलिक अवसरों पर हाट में बाट में निवास में लिखी लेखा पुस्तकों में निधि मंत्रों में भी स्वास्थ्य का केंद्र बनाना बनवाना वर्ण जैसा निदान जहाँ कहीं बने हो स्वास्थ्य तथा कवल के चित्र बोध दिया जाए उन्हें विष्णु भक्तों व्रत को देना होगा कर जो गुना जिस किसी के पास ऐसी कोई स्वर्ण मुद्रिका है जिस पर उसका उसके प्रिय का या उसके शिष्य का नाम होंगे उसे वह राजकोष में जमा करे तत्काल ले ले मुद्रिका के तोल बराबर स्वर्ण उस स्वर्ण से नई मुद्रिका बनवाए कल खास बीच में हर महिला महाप्रभु की छवि करवाए जिसका जो उपास्य हो वे नर हो नरपति हो या नारायण हो सब कबूल महाराजा की तब गाथा काटो या करे पारायण लेखक जो भी लिखेगा उस पर शासन की स्वीकृति लेनी होगी अनिवार्य नाटक भाई अभिनेतों के जनता के बीच जो शासन को हो स्वीकृत आज की इस घोषणा को माना जाए व्यास की सबसे बड़ी घटना विष्णु सबका तुरंत रहना जिस किसी को जो आपत्ति हो सीधे राजा से नहीं संबंधित मंत्री से भी नहीं संबंधित मंत्री के निजी सचिव से कहे सावधान 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 बोल राजा इन सभी बातों का जो पालन नहीं करेगा वह बिना मौत ही सत्ता के हाथ मरेगा बोलो महाराजा अधिराज सेवा मूर्ति प्रजा वत्सल निरंकारी न्याय शूर तर्कवीर महाप्रभु राजा के लिए राजा से बढ़कर होती है
की अपनी अपनी संस्था तुम कम मध्यस्थता और पक्ष समर्थन हमारे राज्य में नहीं चलता। क्या तुम्हें भी बंदी होना है? तुम मंच हो और अच्छी नहीं। कौन हो तुम? तर्क करते हो? हम युवराज कैलाश के साथ हैं। यह है विष्णु जी हमारा मित्र। क्या कहा आप? युवराज के साथ हैं? ताज हम एक समान हो रहे हैं। कैश पे बैठो, हमें संरक्षण दे। वांते 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 तुम जाओ, तुम मुक्त हो, इन्हें भी छोड़ दो। अंजन ऐसा उसे समझे निर्णय ले, लेकिन इन दोनों से इतना कह दे अवश्य भविष्य में ये दोनों ऐसा आचरण ना करें। इन दोनों राज में गुप्तचर ही गुप्तचर है, कहीं कोई ऐसी सूचना ना दे दे महाराज को कि उद्घोषणा सम्यक नहीं हुई। आप विज्ञ हैं, हमारा भी पेट है, हमारा भी परिवार, हमारे भी बच्चे हैं। जयदेव हमें आगे रहें। बंधु मैं तो नेपथ्य की ध्वनियों को सुनता रहा और पाता रहा हूँ कि ये तो एक दिन होना भी, एक दिन नियत था इसके लिए भी, नियति के खाते में। यह घोषणा अनर्थ है। अनर्थ का परिणाम अनर्थानुबंध, इसलिए सौ सौ प्रतिबंध। बाढ़ चढ़ी अनियंत्रित नदी सामाजिक नहीं होती। हो भी सकती है कैसे? आकांक्षा अंधी होकर बनाती है हमें केंद्र विधान। लोह सूत्रों से अधिक सशक्त होते हैं अंधी आकांक्षा के तंतु। ये तंतु तस्ते हैं सुंदर के सत्र अपेक्षित नहीं और कोमल होते होते क्रूर हो जाता है। ऐसे आदमी को कहीं से कुछ मैं सदैव नाश नहीं कर लेता। आप ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु हर व्यक्ति की होती है अपनी अपनी आस्था अपने अपने विचार। परंतु महाराज ने सबकी आस्था पर थोपा है अपने विचारों का अचूमर भी वह निकाल कर छोड़ेगा। मैंने उनका पता तो देखा ही होगा। हाँ रत्नजीत, किंतु राजा का सबसे पहला काम होगा किस पर? बुद्धिजीवियों पर। बुद्धिजीवियों पर बात करेगी सबसे पहले। हमारे महाराज से धीर ही नहीं, बहुत बड़े कूटनीतिक के भी हैं। जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि शस्त्र ना साथ पाए कोई, इसलिए सबसे पहले शास्त्र समझ और अभिव्यक्ति को पर भाषा के जानते हुए विचार निधि के रहते हुए वाक शक्ति को भोगते हुए स्वयं पूरा बना दिया जाए। यह तो प्रत्यक्ष अपमान है आदमी का। मैं अपमान नहीं कर रहा, तो सह सकता है अपमान, वही अपमान होगा। तो सहेंगे सब तरह के अत्याचार, फिर भी कहेंगे सत्ता की जय जयकार। व्याज व्याज भले ही पाले उपाले ना बोले सम्मान है तलवे निश्चय ही होंगे अपमान। देख नहीं रहा ऋषि जी आजकल के बुद्धिजीवियों का कितना बढ़ गया है पेट? बड़े पेट का अर्थ है छोटा सा मुंह, मक्खन चुकी रोटी, मुंह पर एक नहीं कई कई ताले लगाती। अर्धश्वास के पांव बड़े लंबे होते हैं ऋषि जी। मैं देवक नहीं, फिर भी कहता हूँ अनुभव के बल पर महाराज के शासन में सोने से अधिक होगा पीतल चमकदार शास्त्र बात। महाराज को नहीं चाहते हूँ, उन्हें चाहिए प्रकृति। तो प्रकृति के नियम होंगे जीवन पे लागू। हर किसी की होती है एक तरह सीमा। चले चल तो युवराज से पूछते हैं कि इस नाटक की चरम सीमा क्या है। इस नाटक की चरम सीमा बनकर मेरे पिता अपनी अंधी आकांक्षाओं पर शासन नहीं कर सके, बड़ी विडंबना है। पिता मान बैठे हैं राज्य में शांति है सब, है कुलाहल नहीं कहीं पर कि शांति। मुखरता का ये भाव बहुत ही क्षणिक है। पिताश्री को समझाए कौन कि भय से उपजा मौन अथवा लोग प्रसिद्धता मुखरता है। न शासन की सफलता है न अनुशासन। जगह जगह जय जयकार काव्यात्मक कलापूर्ण जय।
मैंने कहा नहीं सुनते हैं तार। उस जय जयकार के पीछे के मंतव्य को वो नहीं बोलते, यही तो त्रासदी है। नकारात्मक जयनाद निश्चय ही चाकूदारू कोई लाएगी, कुकुरमत्तों की भांति जगह जगह उभराए हैं चाटुकार। चाटुकारों से घिरे रहने का अर्थ है छह द्वारी नाव में चढ़े, और छह द्वारी नाव पर चढ़ने पर नाव का ढेर समय टूटा और छह द्वारी नाव कभी तट के पास नहीं है। महाराज तो कैसे हुआ? महाराज की घोषणा का जनता ने हाथ पहुंचा। महाराज ने दिए हैं जो आदेश, ये है जो घोषणा है, उसके सारे जनता का विजन कहा जाएगा। घोषणा का निष्ठा विष्णु शब्द का तुरंत बंद हो गया, तुरंत शब्द पर ध्यान दिया ही उठा जाते संस्कार साथ ही आया क्या विद्युत प्रवाह है कोई जिसे स्रोत से तक तुरंत रोका जा सकता है। तुरंत शब्द पर ध्यान दिया अधिनायक के लिए मेरा पास बंधु से सब कुछ तुरंत चाहिए। मैं देख रहा हूँ पूर्ण बन रहा है, योजना बन रही है कि एक दीवार खड़ी हो जाए राजा और प्रजा के बीच। प्रत्येक घर लगता है आदमी की तो जीप पर ही पड़ गया है जाना, अपने कष्टों को भय के कारण पी गया है आदमी। अब पेट में है कष्ट और अब वो पर ही चुका है और अब तो सुना है कि आरक्षी के जो सब दिया जाना है खुला रखे और जो पद किए जाएंगे गमन करता तो ये और होगा कि राजदंड नहीं चाहते कि राजदंड को खा जाए। शासन स्वतंत्र है करने को दमन, अब कोई अभद्र हो अशुभ हो या तो अशुभ हो अभद्र और अशुभ भी तो बदल बदल कर ले सिंहासन को घेरे। सिंहासन तो यूं ही हुआ करता है बंधु अंधा और बहरा, यहाँ पर अब बनाते हैं पूरी तरह जड़ संवेदन अभी भी आपकी मित्रता का नाम लेकर हमने थोड़ी ही संवेदन की। दरअसल अंदर के बोध से हमने फ्रॉड को बचाया इसके मुख से विस्मय के कारण। आपकी मित्रता का नाम लेकर वृद्धा को हमने मुक्ति दिलवाई, वृद्धा जो बेचारी नारायण के नाम की माला फेर रही। इतने कर्तव्य निष्ठ हैं राज कर्मचारी, हमारी हमारी मित्रता को उनको हुआ बोध तो भूल गया तो होगा। तुम तनिक थी तनिक थी सजगता आवश्यक संतुलन अनिवार्य है। ये राजभवन है अपने आचार्य का तपोवन नहीं, अब स्वतंत्र आपके रहते हैं आप राजकुमार हैं। फिर संचय का ये क्यों विचार? यह भ्रम है कि युवराज बना रहकर मैं दे सकता हूँ संरक्षण, राजकुमार हूँ इसीलिए तो विवश हो बहुत ही अवश्य। तब तो स्पष्ट है स्थिति की गर्मी महान्यायवादी महासचिव महासेनापति महालेखापाल सभी अपने अपने केंद्र से विचलित हैं। ये सब राजपथ पर राजमहल के सामने नित्य ही न्याय और सत्य की हत्या को देख रहे, सुन रहे उसकी चीख पुकार, देख रहे रक्त रंजित घटनाओं का तीन सिलसिला, लेकिन दम साध कर चुप है। विध्वंस का निष्क्रिय दर्शक बन गया है कोई, पर युवराज उन सबकी भूमिका हम सबसे भिन्न है। हम फरी क्या सकते हैं अकेले, हम कितने आसान हैं। नहीं बंधु ऐसा बिल्कुल नहीं, वीर की एक छोटी सी बूंद में रहा करता एक भरा पूरा आदमी और एक भरे पूरे आदमी में समुद्र की भांति काटे काटता एक भरा पूरा समाज। संकल्पित अकेला पंथ जब संत बनकर बचता है ना पत्थर भी योद्धा बन जाते हैं। ऐसे कंठों के कारण ही स्वतंत्र शक्ति का होता है ह्रास, कुछ इसी तरह बदला है इतिहास। हम इस विध्वंस के निष्क्रिय तटस्थ दर्शक बनने की नियति को नकारते हैं। पर युवराज इधर उधर से मिल रहे हैं जो दबे दबे इक्के दुख के समाचार, उनसे तो यही पता पड़ता है कि सब ओर छाया बुरी तरह कदाचार है, भ्रष्टाचार फैला है ऐसा जैसे फैली हो महामारी अपकारी। ये सब शासन की नीतियों का प्रतिफल, ये भी कोई बात हुई कि सभी जन अपनी मुद्रिकाओं पर शीर्षक लिखवाएं। हाँ, ये भी कोई बात हुई कि हर महिला अपने कठपुतली पीर महाराजा की छवि
अधिकार देने की घोषणा क्यों? कि राजा से सीधे कोई अपनी बात ना कह सके। दमन के इतिहास के हर पृष्ठ पर एक जैसा लेख नहीं होता। हाँ पर हिंदू चुनने के बाद पीछे वाला स्वयं मिस्टर हम सोचे हमारी आँख पत्थर की आँख नहीं, हम निसंग नहीं है। बताओ आदमी की समरी हम मानना हो क्या होगी कि उसे आदमी ने रहने दिया था और उसे भेड़ बनाकर छोड़ दिया था। हम भेड़ बनने की नियत को लगाते हैं, हम तोता बनने की नियति को नकारते हैं, हम बापू बनने की नियति को नकारते हैं। सब नकार रहे हैं, आखिर बात क्या है? माता आती ही लोग मित्र करें बताने आए थे कि किस प्रकार राज कर्मचारी हमारे अकारण ही कर रहे हैं जनता पर खाती का। मैं खुदी बात बताऊं जाकर के तटस्थ होकर सूचिया बता बात से मैं चर्चा हेतु चाहता हूँ। हाँ बड़ी तपन, हाँ बड़ी तपन, हाँ बेटा, हाँ है बड़ी तपन। नहीं बेटा, अभी तो बाहर शीत बहुत है। माँ तपन बाहर नहीं, भीतर। बड़ी विचित्र गर्मी है। कैसी विचित्र? पहले क्या कैसी में पहली तो हर बार ही मुझे पसंद लगा, हाँ रूप बदलता रहता है, प्रबल हो गया है। आपके निकट निकट अबोध है, हाँ तपन पर, और इस तपन पर जिनका अच्छा नाम है बहुत से माँ पिता के स्नेह के उफनाते सागर को सहसा क्या हो गया? कुसुम सहसा वज कैसे हो गया? मेरे पिता के विशाल वक्ष में सबके लिए मक्का थी, उनके हाथों ने दिया सदैव संरक्षण, जिसे छाया की अपेक्षा थी तपती दौरी में। कम परंपरा जानते हो, पिता को पूछे होगा। मेरे पिता पूछे है ना, है मंचु उनका वीर परंपरा उनकी प्रसार पाएगी मुझमें। अच्छा इतना किसलिए माँ? तुम्हारे पिता का दोष क्या? दंड राजधर्म का अंग है, अभी वज्र होना पड़ता है राजा को। फूलों की रक्षा के लिए कांटों का विधान संविधान का अंग है। तुम कांटों का विधान भी क्या है संविधान सम्मत, जो निरपराध फूलों को ही करते हो छिन्न में। तीव्र राजा की प्रजा होती है अभाग्य, तुमने नहीं सुना वीर ही वसुधा के होते हैं। मानता हूँ ना, मानता हूँ ये धरती वीरों की है, ये अंबर वीरों का है। वीरता सच्ची है, आदमी को त्रासक नहीं त्राता बनाते हैं। सच्चा वीर होता है करो परम करो, करना व्यक्ति को याचक नहीं दाता बनाते। बहुत तीखापन अर्जित कर लिया तुमने प्रहलाद, और लादा इस वंश में कैसे रह पाएगा? तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र पिता के पौरुष की पहली डाल, अब तुम्हारी मार का अपनाएंगे तुम्हारे अनुज। वनदा प्राणदा मां कुछ कर, पिता की मनोग्रंथियों को कुछ ढीला करूंगा, कार्य को कुछ ढीला करूंगा। मां बृहस्पति की अनुकूलता अपेक्षित है निदान। माँ नारी की शक्ति अदस्त है, नारी खड़ी हो सकती है अपने धारा के सम्मुख वज्रशिला से। मेरी माता, मेरी माता लोक माता की भूमिका करे यदि निर्वाह, तो निकल सकती है कोई ना कोई राह। बहुत स्पष्ट है मुझे अपनी सीमाओं का बोध, तुम्हारे पिता ने पाले जाती। हाँ जाती, आशा कर सकते हो विश्वास की, हम पत्नी भर होती है सहचरी सहयोगिनी सहकारिणी, हमें मानता है कौन? आभूषण पहनते पहनते हम स्वयं बन गए आभूषण। सल की अतुल संजीव और दूसरी ओर राज सत्ता के लोग का छाया ही लंबा तपता पठा।
दूर दूर तक कहीं कोई वृक्ष नहीं। ओ मेरे मन की दुविधा तू विराम ले, ओ मेरे विभाजित मन, ओ मेरे द्वैत अद्वैत हो जा, हो जा हो जा अद्वैत। आपका सम्मान ही मेरी उपलब्धि है।
आपका गौरव गर्व होगा तुलाधर, जनता बोलेगी मुझे सुन से। ये सब राजकोष में लोक पक्ष से आएगा, लोक पक्ष से जनता जनता के प्रतिनिधि यथाशक्ति लाएंगे स्वर्ण। मेरी जनता है, मैं जनता का हूँ, जनता का प्रेम मुझ पर अगाध है। तुलाधार मेरे नहीं जनता की साज है। धन्य है आप, धन्य है आपके जनता के प्रतिनिधि, धन्य है आपके प्रति जन जन का प्रेम। यदि वो जाता क्या ये सब क्या ये सब सहज नहीं? आप राजा हैं, आपके चारों ओर हैं मंत्री, मंत्रियों के चारों ओर हैं सचिव, और सचिवों के चारों ओर निहित स्वार्थ वाले धूर्त लोगों का जम घट है। राजन राजन आपके और जनता के बीच एक नहीं कई कई वृत्तियां हैं, और हर वृत्ति सत्य में लाती है चीजें। नहीं नहीं नहीं, मेरी और मेरी जनता के बीच कहीं कोई वृत्तियां नहीं। अगर होती तो क्या हमारे कर्म तक आ सकती थी हमारी ये जय जयकार? किंतु प्राणी कभी आ पाता है आप तक उसी जनता का हाहाकार? आनंद के आमोद की मधुबेला में कैसा ये रास्ता? पत्नी होकर भी पति के मन को तुम न समझ सकते? लाओ मेरा चश्मा माफ भी डालो। कल महोत्सव है तो राजधानी का उसके अनुरूप बनाओ। उठाओ बस प्रश्न व्यर्थ के प्रश्न क्षमा करो, मैंने तो केवल उठाए हैं प्रश्न, आपने जन्मा है प्रश्न को। आपको दिख रहा वो राखी रखी स्वर्ण जिससे तुलादान होगा संपन्न, उस स्वर्ण रथ में मैं खोज रही हूँ मंगल सूत्र, जिसके आपके आरक्षियों ने नवपरिणीता ग्राम वधु से लाए हैं छीन कर तुलादान के नाम पर। उसी ढेर में लक्ष्य करती हूँ मैं, वही मुद्रिका वह कर्ण फूल है कंकर जिसे अपने आरक्षियों ने लूटे। ये कैसा तुलादान है स्वामी? न जाने कितने होंगे ऐसे मंगल सूत्र, और न जाने कितनी होंगी ऐसी मुद्रिकाएं, और भी न जाने क्या क्या करते होंगे। आपके युक्ति अधिकारी परम आज्ञाकारी आपको आपको सुनाई जाती है केवल जय जयकार, केवल जय जयकार। दबा दिया जाता है हाहाकार, बड़ी विडंबना नहीं कोई विडंबना नहीं, विडंबना की चर्चा ही प्रपंच है। निश्चित यह कोई विरोधी मंच है। क्षमा करें सर, ये सब सच है, इसमें झूठ का नहीं रंज है। मैं जानती हूँ उस स्वर्ण रश में मुझे नहीं मिल पाएगा वो मंगल सूत्र ना हुए मुझे कहीं। अच्छा कया तो ये बताओ, राजा तुम हो या मैं? हुँ? तुम मुझे इतना अबोध समझते? मुझे बांधी उसने सबके वो अपने मंगलसूत्र धूम के तुझे लगते हैं मुझको, और मुझे कहिए जिससे रक्त लोभन दग्ध करेगी राज लक्ष्मी के अम्मा को, वे आहत मृदुकंड गुणी थोकाए के विप्लव के गीत, वे अपनी धात बजाएंगे लोहा लोहे के घाट उतारे एक एक को ये सब मिलता। मैं तो हमारे आयतों से तुम्हारा परिचय है, हमारे आयतों से तुम्हारा परिचय है, और ये आनंद पर ये भेद देखा है अच्छी नहीं लगती। हम राज लक्ष्मी की चिंता है यथेष्ट है। तात प्रणाम। चिराई माता प्रणाम। चिराई कैसे को आना, इतने असहज को गा क्या है? इन दिनों कोई सहज रह सकता है कैसे जहां वैसे मेरे मन का भक्त है? किंतु मैं भी फंसी हूं दल में, मेरा मन विचित्र है। ऐसा सुन कैसा विचित्र आप उठे मेरे ये प्रश्न ने बहुत मथा मंजन दर्द हूँ मैं। प्रश्न ये है कि आपके साथ रहूं या साथ हूँ अपने इस पुत्र का। पति और पुत्र के बीच चैन नहीं सकत। आपको कहते ही प्रहलाद के मन में इन दिनों उठ रही है भयंकर आदि ज्वाला मुखे सुन रहा है प्राणों में उसके। अरे ऐसा क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया मुझसे कि मेरा है पुत्र हो गया पराया? मैंने कहा था ना
मैंने आपसे कहा था ना, आपके सम्मुख खड़ी कर दी गई है मोटी मोटी लापारदर्शी व्यक्तियां। क्यों है ये वातावरण? दुख था कि वो युवराज क्यों?
बहुत दिनों तक उसने इस चीज को मथा जिसकी उसने सुनाई थी मुझे पूरी। मैं सोचता रहा कि जनता का पक्ष ले राजा का, पिता को मान करे या सत्य को। तुम्हें मेरा पक्ष नहीं था, तुम सास के शिक्षक। शिक्षक होता है शिक्षक, शासकीय अशासकीय वह नहीं होता। और हम शिक्षक कहां? शिक्षा तो हमारी क्रियाएं होती है। आचार्य हूं मैं, आचरण देता हूं, उपदेश नहीं देता, अपना आचरण देता हूं। यही आचरण दिया कि पितृद्रोह करे, पिता के शत्रु से संधि करे। नहीं तो फिर मैंने उसे ऐसा नहीं तो फिर क्या कहा? मैंने उसे निषेध की दी है शिक्षा। यही सोचते हैं ना, मैंने उसे निषेध की नहीं विधि की दी है शिक्षा, अभाव की नहीं भाव की दी है शिक्षा। इसलिए तो वह नहीं चाहता सत्ता का नाश, चाहता है सत्ता का संस्कार। क्या राजपुत्रों को ऐसी दी जाती है शिक्षा? गुरुकुल की सीमा में कोई राजपुत्र नहीं होता, सब शिष्य होते हैं, सब मधुकरी करते हैं। मैंने उसे शास्त्री नहीं शील की दी है शिक्षा। यही है शील, पिता के प्रति अभिज्ञा करो, पिता के शत्रु की युद्धि करो। बस आने पर वो आपके नहीं मुझसे भी रहता। अच्छा, मुझसे भी? मैंने उसे पंचशील की शिक्षा दी है। पहला शील, अत्याचार करना ही नहीं, अत्याचार सहना भी पाप। दूसरा शील, काम वही करो जिसे अंततः तुम्हारा मन स्वीकार करता। तीसरा शील, शत्रु हमें मार सकता है, हरा नहीं सकता। चौथा शील था, अंतिम जीत सत्य की होती है, जीत ही सत्य की जीत ही प्राकृतिक न्याय का नियम। पांचवा शील, मन में विष्णु को जगाओ। बस बस, सेठ की चर्चा बंद राजा, तुमने विष्णु को जगाने की बात कही है, विष्णु मेरा शत्रु है, मेरी महल दुकान चौक की पूर्ति में वही तो बाधक है, तुम जैसे लोग उसके हित साधक है। शील के अभाव, शील के अभाव में शास्त्र की शिक्षा अधूरी है, व्यर्थ है। सजन वंचित सूचना का क्या कोई अर्थ है? मेरी निष्ठा आपके प्रति असंधित है। और रही विष्णु को जगाने की बात, तो आपका जिस विष्णु से वैर, उसे आप जानते हैं। मैं जिस विष्णु की करता हूं बात, वो तो आदमी को वत्सल बनाता है। विष्णु को निकालकर हम जिए कैसे? पिता पुत्र भाई भाई मित्र मित्र के बीच भावना का जो सेतु है, वही तो विष्णु है। विष्णु ही है मधुश्लेष व्यष्टि और समष्टि के मध्य। विष्णु वो रंभाती है जो गाय, वही तो विष्णु की भाषा है, वही है विष्णु का भाव जो दूर देश जाती चिड़िया और दाना चुन जाती। विष्णु को निकालकर हम चोर वंचक हत्यारे, अगर ये सब नहीं तो और क्यों? तेजो मय दिवाकर रक्त गर्भा वत्सला धरती, गुरु गंभीर रखनाकर अमृत कोष पैवकर, सब विष्णु के हैं। विष्णु मनुष्य को पालक बनाता है, आत्म चालक बनाता है। बस बस, ले जाओ इसे और काल कोठरी में कर दो बंद। प्रहलाद और आचार के सभी समन सूत्र को छिन्न कर दिया जाए, सुन इसके आश्रम में लगा दी जाए। यार सौंप आ जाए प्रहलाद को, शुक्राचार्य के पुत्र जड़ और अर्मक को, अध्यापक और शिष्य को बंदी बना दिया जाए। ले जाओ इसे। आप मानव आत्मा के शिल्पी, मानव आत्मा के शिल्पी, राष्ट्र पर आए संकट को सुलझाना है आप, राष्ट्र ध्रुव पर उतरा है प्रहलाद, तुम उसकी धारा को रोको नहीं, वरन कुछ मोड़ दो ऐसा कि टकराव बच जाए। पुरस्कार मिलेगा मंदिर का, राजगुरु का पद पाओगे, आपके निकट प्रहलाद राजद्रोही होंगे, देश द्रोही रहेंगे। और रही धारा को मोड़ने की बात, मैं विवश हूं राजा,
मैं नहीं ऐसा चित्रकार जो चित्र बनाकर स्वयं इस पर दिखा देता है स्याही। और राजगुरु का पद पाकर ही स्वयं क्या पाऊंगी। मैं आचार्य हूं, कोई लद्दू घोड़ा नहीं। और फिर संरक्षण को शाप बनने में देर नहीं लगती राजपक्ष में। अपमान पर अपमान, मृत्यु के लिए हो जाओ तैयार। तैयारी मृत्यु को करनी है राजा। ले जा बेदी पर चढ़ानी होगी भेंट अविलंब। अरे ये क्या, मैं तो अवध हूं अवध। एक भूल जितनी नंदन तुम कर ही भाई, जिस दिन अवधता मांगी थी उस दिन राजभक्ति अक्षुता भी मांग लेते। एक पुस्त बड़ा कठिन, अपने अधरस्तों से कैसे कहूं पुत्र की हत्या की बात। कल भी हमें पुत्रता मानने के, लेकिन इस काल रूप को तो चलना ही होगा, इस सर के फल को कुचलना ही होगा। जगतपति जगदीश्वर के सब नाम भाई तुम्हारा प्राण स्वीकार है नागपाल आसन ग्रहण करे। भाई क्या तुम नागपाल और हम महिपाल? अच्छा से तुम हमारे परम विश्वस्त, इसने अंतरता प्राप्त है। नागपाल, नागरिक का सबसे बड़ा धर्म होता है राज की सुरक्षा। आज राज पर मरना है बादल, इन बातों का सूत धार है मेरा ही अपना पुत्र पहला। अच्छा बताओ ना, मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं मैं? मर्दन को शोधन पर तीन महीने वरीयता, राष्ट्रद्रोही प्रजा को देना हुआ दंड, ऐसा प्रचंड हो किसका दर्द खंड खंड। तुम्हारे पास मेरा भूषण काल रूप, काल रूप तेरा भूषण काल रूप मैं तुम्हें करता हूं गोपन रहे, अन्यथा सूर्य दर्शन से होगा पूरा वंश। बड़ा कठिन कार्य सौंपा है आपने हमारा, राज्य रक्षा सर्वोपरि है, दायित्व मैं करूंगा। अब आप निश्चित हो जाए, अब आपकी समस्या हमारी समस्या है। क्या क्या है? राष्ट्र प्रभु की जय हो, लोक प्रभु की जय हो। एक रोह में विष्णु का अंदर खंड खंड कर दूंगा उसका यह अहंकार। प्रहलाद को गुटका बना सोच लेता है जीत लेगा, वस्त्र से टकराने की कीमत चुकानी होगी प्रहलाद को, कल विष्णु भी चुकाएगा। मेरे लोक पंजों से बचकर वो कहां जाए। जगतपति जगदीश्वर के सम्भो महाभूतक पदा रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार है महाभूतक। महाभूतक आपको तो क्या क्या माला, माला और इस माला के दानों को क्यों है? एक सूत्र, सूत्र के आधार से तो बची है माला। ये तो बात क्या है माला, पहली बुझा रहे हैं। पहली मैं नहीं बुझा रहा हूँ महाकुंतक, पहली तो मैं सोम बन गया हूँ। सोचा तो महाकुंतक हो तो हो जाए आज कुरुशैली विवाह। सूत्र टूटने के निकट आ गया महाकुंतक। आसन ग्रहण कर राज अब बिखरेगा, मेरे द्वारा बनाया गया राज का मानचित्र मेरे ही पुत्र के द्वारा होगा छिन्न भिन्न। कब मैंने सोचा
नीति नदी तू बड़ी विचित्र मां कुकर तुम कूट धर्म के आचार्य हो, तुम्हारी कूट रचना से राष्ट्र सदैव भुआ है लाभानी देख कूट हो कूट परिदार परम सावधान गोपन गोपन महाराज अपनी पूरी शक्ति और चतुराई से योजना पर कार्य करूंगा आज्ञा है ये हमारे परम विश्वस्त अधिकारी इन्हें सौंपकर आश्वस्त हो सकता हूं चंद्रगाड़ी को नहीं बनने दूंगा ज्वाला विश्व का मुख कर दूंगा काला लेकिन चिंता की बात हो गई है मैंने उन्हें सुनी है बातें सर राज की नागशाला के लिए पाले में भक्ति भाती के नाम गर्भस्थिति हमने आयोजित नागों की प्रदर्शनी सबने सराहा था उसको महाराज कहते हैं कि मैं उनका परम विश्वस्त हूं लेकिन आज बड़ी विचित्र कहते हैं जनता में आक्रोश है भयंकर लगता है राज रचता एक ऊंगा पहिया अरे सागर बंद हुआ भाई आई इधर कैसे हुआ कुछ नहीं बस ऐसे ही चला क्या है ना कुछ दिनों से अस्वस्थ हुए मन में दर्द थोड़ा है ठीक कहते हैं मन से तंग ना करना तो आप मुझसे भय अनुभव और तो राज सेवा में भी सर्वोपरि लेकिन एक प्रश्न मन को रहता है मन का कई दिनों से राज सेवक क्या होता है कोरा पत्र जिस पर शासन चाहे जो कुछ लिख सकता है वो शासकीय कर्मचारी के पास तो केवल तब ही होता है मन जैसी कोई चीज नहीं होती अरे तनिक बच्चे इसमें राज का सर्वाधिक सर पे मिसाला अरे अभी अभी पकड़ा है अरे सागर बंधु तुम अरे नागपाल आप जिधर भी देखे हमारे नागपाल अपने पिटारी के साथ मिल ही सकते हैं इनकी नाग संग्रह की समृद्धि भी धन में क्या विशेष है इनकी धन से खोजा होता नारायण तो कब के मिल गया वो बंधु तने हीरे तो सूने पर में भी कानों का पैरा है जानते हो ना नारायण पक्ष चांद निश्चित है अरे हाँ याद आ रहा बड़ा उत्कृष्ट हूँ मैं क्षमा करे बंधु एक अवतगुन हो गया आई है सोचना गांव की सीमा पर संभोग रखते आंसू इसका रहस्य दीप्त समूह है देश दीप्त राज के हां निश्चित एक और सुनते हैं मित्रों पत्नी का गांव में हुआ है प्रसाद पर इसका फल हल नहीं दुष्फल और दुष्फल है राजा का विनाश मैंने स्वयं देखा राज ध्वज पर बैठी थी चील अशुभ होगा हमारे राजा अवध है अपराजय है यम यातना मुक्त पूर्वा पर मैं कुछ नहीं जानता ये बातें हैं सगुन साथ में क्षमा करे मैं मैं एक राज सेवक हूँ और राज सेवक से नहीं आप एक चीज ऐसे संवाद जिनसे निर्मित हो सकता है मैं उसका विवाद शासन की नौकरी भी क्या दीजिए राज सेवक होते जैसे हम बन जाते हैं शासक चाहे तो मैं रक्त के रंग में रंग दे फिर इच्छा उसकी तो मैं रंग दे दूर कर राम नाम की इच्छा से राज अरे कुछ ऐसी समस्याएं हैं सागर बंधु व्याकुल है कुछ ऐसी चिंता है इनकी आत्मा रखकर भी अनात्म होकर जियो दृष्टि रखकर भी दर्शन के जियो लोग तरह तरह की मांगते हैं मनौतियां कि संतान हो उनकी मन संवर्धन कर सके कोई मरने पर पित्र तर्पण कर सके कोई और लोग अपने पुत्र की बलि चढ़ाते हैं अपने स्वार्थ की बलि पर नहीं नहीं ऐसा भी होता है कहीं होता है और कब तक तो आगे होगा जल्दी होगा संभव अभी हो जाए पहेलियां बुझाते हैं नहीं नवेली जीवन एक पहेली अरे महाकुटक आप भी अरे आइए आइए इधर कैसे रहस्यवादी हैं आए होंगे किसी कूट के रूप से हमारा तो नाम बजिए ऐसा कि इस दुनिया में हर कोई है कूटक छोटा या कि बड़ा अच्छा व्यवहार से दर्शन में उतर रहे हो जो उतर सके उसे उतारना चाहिए दर्शन से नीति में नीति से न्याय में न्याय से सत्य में उतर सकते हैं किंतु यह संभव नहीं है हम शासकीय भृत्य है ना हम प्रश्न नहीं कर सकते शासक के मंचिते उत्तर देने को विवश हैं हम तो दीवार बन गए हैं पत्थर की इस पर जैसा भी मन चाहे शासक टांग सकता है ओ मेरे मित्रों किंतु आप इस समय यहाँ क्यों कैसे
फिर भाई क्यों कैसे कब प्रश्न से और कैसे प्रश्न की जा सकती है आपके हाथों में महाराज के कंकन अरे सागर में आपके कानों में महाराज कुंडल अरे महाकुंडल तुम्हारे गले में महाराज की अर्धा कुंडित माला नाक पर आपकी उंगलियों में महाराज की अंगूठी हम सबके मन में इस समय एक ही सत्य हम सबके मन में एक ही बात है हम सबकी एक ही कामना है हम सबका एक ही प्रयोजन है हम सब एक दूसरे के सामने नंगे नितांत नंगे कुछ ऐसा ही समझो समझ नहीं हम हैं हम सब प्रहलाद के शत्रु बनकर आए थे पर उसके मित्र बनकर विदा होंगे जगह क्या लक्ष्य पूरा नहीं होगा जनता जाग गई है उसका कोई कहेगा कौन परम निरपराध है मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिला दिखाई क्यों सागर भाई मैं सत्य के प्रवक्ता हूं न्याय के पास जा रहे संकल्प की भाषा है उनका जीवन लोक सेवा की परिभाषा है लेकिन एक साथ इतने लोगों का एक ही काम आश्चर्य पता नहीं महाराज ने क्या सोचा था अर्थ इसका स्पष्ट कि महाराज को हम में से किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं था हम में से कोई महाराज का विश्वास पात्र नहीं था महाराज हमारे निष्ठा को लेकर विभाजित थे स्वयं हम भी तो विभाजित हमारी आत्मा युवराज के साथ जरूर थी परंतु चाकरी के कारण महाराज के साथ ही किसी और का तो नहीं कह सकता मैं तो निश्चित ही दुविधा में था मैं भीतर दूर तक विभाजित मैं जानता हूं मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किस किस तरह की मनौतियां रही मैं तो प्रस्ताव सुनकर रह गया था स्तब्ध आप मुझे समझते हैं क्रूर और कठोर किंतु मेरी संवेदना ने मुझसे एक ही प्रश्न किया था बार बार की क्या रात से हर तरह के आदेश मानने को बाध्य है आपसे कुछ अधिकारी यहाँ आपके लिए आए थे महाराज का आदेश था इनाम पिटा जी आपके लिए वो वनमन पालन हाथी आपके लिए आपको मार्ग में मिले थे कुछ लोग आपके लिए आए हैं आप हम उपस्थित हैं और क्यूरेंट देखें आपके पास कृपाण है और हमारे पास हम लज्जित हैं बंधु जीवन के नाटक में सबकी अपनी अपनी भूमिका आप अपनी भूमिका हम अपनी भूमिका निभाई हाँ एक सूचना दे दूं आप सबको मेरे पिता ने काम सौंपा था मुझे जलाने का मेरी गोली का बुआ और इस क्रिया में मैं स्वयं जल गई बहुत सहाय आपकी युवराज बहुत सहाय आपकी सही शक्ति महान है आप मुझे विष्णु को ही देता है शक्ति जिस दिन खड़ा हुआ था विरोध में पिता को उस दिन जानता था पथ ही प्रशस्त विरोध पिता से भी था विरोध पिता से फिर भी कहीं कठोरता नहीं थी आपकी आपने वैष्णव कट होगा कैसे साधे हम सब चतुर्भुज दो भुजाओं से साधे अपने जीवन के दायित्व शेष दो को करे चंद सेवा में सिला चक्र में संभूति असंभूति गदा में शंख में बोध जागृति जिजी विषय का आधार प्रकट है कमल और बंधु मेरा विरोध ना तो पिता रहना कुछ से ना राजा रहना कुछ से ही मेरा विरोध तो केवल उस भाव से केवल उस भाव से जिसने हृदय उसको निरंकुश अत्याचारी और आत्म केंद्रित बनाया सैद्धांतिक असहमति तो विरोध के प्रति भी हमें उग्र ही बनाता है मैं तो अपने पिता का बड़ा उपकृत इस अत्याचार के बाद भी उपकृत बहुत सीखा है भूख कैसे होती है अभावों में कैसे टूटता है आदमी ये सब देखा है जानते हो ये रोटी की विचित्र सत्य है रोटी को पाकर भी बंधन में बनता है आदमी और रोटी को खोकर भी बंधन में बनता है आज सबने आक्रोश भरा युद्ध वेदी थी सजी हुई पर हृणा कुछ को था वरदान पर युद्ध में भी सजी हुई पर हिरणाक उसको था मदान बड़ा यति ने कैसा खेल रचा मैं खड़ा विरोध और जब अत्याचार का यह गहरा क्षण पार हुआ तब खंभे से प्रकट भय नरसिंह थे आगे न और आगे थे Thank you.
Thank you.
आज से और अभी से विद्यापीठ स्वतंत्र है, कवि लेखक आलोचक स्वतंत्र है, रंगमंच स्वतंत्र है, आचार प्राचार धर्माचार सब स्वतंत्र, पूर्व की वंचनाएं सब निरस्त। प्रहलाद की जय, प्रहलाद की जय, प्रहलाद की जय। और आज से अत्याचार करने वाला ही नहीं वरन अत्याचार सहने वाला भी माना जाएगा अपराध।